हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं एंडी टेक शो। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये हेल्पफुल होने जा रहा है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो अभी फाइनल ईयर में हैं या अपने फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे वो BCA कर रहे हो, MCA कर रहे हो या फिर BTech कर रहे हो, उन सभी के लिए है जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। व्हाट टेक्नोलॉजी शुड यू चूज टू स्टार्ट योर कैरियर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वेब डेवलपमेंट से नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब बहुत कुछ होता है। सो बहुत सारे टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, बहुत सारा टेक स्टैक अवेलेबल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। तो टेक्नोलॉजी कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग, मतलब स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन सा टेक स्टैक चुने ताकि हम IT इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकें फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये सारा टॉपिक, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। फॉर द स्टूडेंट्स, चूजिंग द टेक स्टैक कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देयर कैरियर। मतलब ये इतना आसान भी नहीं है कि कौन सा टेक स्टैक चुने। एज ए फ्रेशर, आप इंडस्ट्री में अभी नए नए हो या अभी आने वाले हो तो आपको उतना आइडिया नहीं होता है कि हम कौन सा स्ट्रीम चुने, कौन सा टेक स्टैक चुने ताकि मेरे लिए बेनिफिशियल हो। कुछ लोग कोडिंग में अच्छे होते हैं, कुछ लोग कॉन्फ़िगरेशन में अच्छे होते हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग में अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए, कुछ लोग नेटवर्किंग में अच्छे होते हैं, तो उन सब के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ जगह है। बस आपको फोकस करना है कि मुझे कौन सा पाथ चुनना है ताकि मैं उस पर सक्सेसफुली आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज द राइट वे टू डिसाइड विच टेक स्टैक कैन बी द बेस्ट फिट फॉर योर कैरियर। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वॉच द वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या वो वे है जिसके थ्रू हम चूज कर सकते हैं कि कौन सा टेक स्टैक मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि बेस्ड ऑन योर चॉइस और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन डू इंटर्नशिप ऑन दोज टेक स्टैक, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में, बने रहिएगा। तो वो उन सब का आप एक बेस्ड ऑन योर चॉइस, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आपको कोडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप उसके बेस्ट टेक स्टैक चुन सकते हैं, उस पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आपको डिज़ाइनिंग में, आप डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छे हैं तो आप अलग टेक स्टैक चुन कर उस पर इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। आप नेटवर्किंग में अच्छे हैं, आप डेवऑप्स में अच्छे हैं, तो ये सारे चीज़ को आप देख करके इंटरेस्ट जिसमें है आपका उस पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। सब पे नहीं तो कम से कम 2-3 सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं और फिर लास्ट में आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम, मैं कंफर्टेबल किस चीज़ में हूँ, किस टेक स्टैक में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ और किस में मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये हुआ वे कि आप कैसे चूज़ करेंगे टेक स्टैक, बट वो सारे टेक स्टैक है क्या, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो सारे टेक स्टैक हैं क्या, ठीक है। तो वन बाई हम डिस्कस कर सकते हैं। पहला में आता है जावा बेस्ट इंटर्नशिप। जी हाँ, जावा एक मोस्ट फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वाइडली यूज्ड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है, लाइक मोस्टली फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशन। बहुत सारा ह्यूज एप्लीकेशन डेवलप होता है जावा से। द एप्लीकेशन विच आर यूजिंग जावा आर मोर सिक्योर, ओके। एंड यदि आप जावा सीखते हैं, ठीक है, आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आपको चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, उसमें कोडिंग करें, ठीक है, जो मतलब कोर एरिया है किसी भी वेब डेवलपमेंट का कि आप कोडिंग करना जानते हैं, तो आप वो करना चाहते हैं तो आप जावा बेस्ड इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। जो कि अभी आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, पाइथन भी है, उससे भी वेब डेवलपमेंट होता है, उससे भी एप्लीकेशन डेवलप होता है, PHP है, C# है, ओके, जावा है, तो जावा उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस है, तो आप उसका इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या आता है, पाइथन बेस्ड इंटर्नशिप फॉर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर। सो पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली यूज होने वाला लैंग्वेज बनते जा रहा है आजकल, जिसका यूज़ ऑलमोस्ट सभी प्रकार के एप्लीकेशन में कर सकते हैं। जब आप पाइथन का डिफिनेशन पढ़िएगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा पाइथन इज जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। What is mean by general purpose here? कि ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। Using Python you can develop mobile application,
यूजिंग पाइथन यू कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन, यूजिंग पाइथन यू कैन डेवलप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन, यूजिंग पाइथन यू कैन डेवलप मशीन लर्निंग एप्लीकेशन, यूजिंग पाइथन यू कैन डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एंड सो मेनी अदर थिंग्स इज अवेलेबल। सो पाइथन बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, बहुत ही पॉपुलर एंड डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है एज ऑफ नाउ। मतलब लास्ट टेन ईयर फिफ्टीन ईयर से तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड। जब से मशीन लर्निंग और AI का दौर आया तब से पाइथन बहुत ही फेमस हो चुका है। इसके थ्रू आप डेटा इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा जॉब ऑप्शन अवेलेबल है पाइथन को लेकर के, तो उसका इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या हुआ, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग HTML, CSS एंड JavaScript, ये तीनों का इंटर्नशिप आप कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि कैसे तीनों को एक साथ यूज किया जाता है वेब डेवलपमेंट में। तो ये चीज़ हो गया कि आपको सपोज पाइथन और जावा में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आपको कोडिंग करना होगा HTML CSS से, बट आपका मोस्ट आप ज़्यादा फोकस्ड हैं डिजाइनिंग पार्ट में, ठीक है। तो आप HTML CSS एंड Bootstrap पढ़ करके उसका इंटर्नशिप कीजिए और वेब एप्लीकेशन बनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपको बैकएंड जानना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। आप HTML CSS पढ़ के उस पर कमांड करके आप एक अच्छा वेब डिजाइनर बन सकते हैं। अब वेब डिजाइनर का पैकेज भी बहुत अच्छा अच्छा होता है, मतलब कोई भी इसमें पार्ट किसी से कम नहीं है, जितना भी मैं बता रहा हूँ, चाहे जावा बेस्ड इंटर्नशिप बेस्ट जॉब आपको मिले, चाहे पाइथन बेस्ड जॉब मिले, चाहे या फ्रंट एंड का जॉब मिले वेब डिज़ाइनिंग का, कोई भी किसी से कम नहीं है, सब में सैलरी ऑलमोस्ट बराबर है। हाँ, आजकल मशीन लर्निंग और AI का थोड़ा ज़्यादा हाइप है कि लोग पीपल आर गेटिंग मोर सैलरी, बट आपको मिलेगा, आपको बहुत अच्छा मतलब हैंडसम सैलरी मिल सकता है। आप तीनों किसी भी कैटेगरी में आप इंटर्नशिप कीजिए, उसमें जॉब शुरू कर सकते हैं। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट जिस पे आप फोकस कर सकते हैं। चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि आपको कोडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपको डिजाइनिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है कि आप बहुत अच्छा सा कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं किसी चीज़ का, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं अच्छे से, उसको अपडेट कर लेते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में यदि आपका इंटरेस्ट है तो आप DevOps इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। DevOps इंजीनियर क्या है कि वेब डेवलपर जो है डेवलप कर दिया एप्लीकेशन, पाइथन वाले जो हैं या जावा वाले जो हैं या अदर प्रोग्रामिंग बैकएंड लैंग्वेज लॉजिक वाले जो हैं वो बैकएंड लॉजिक लिख दिए, वेब एप्लीकेशन रेडी हो गया, बट वो एप्लीकेशन पब्लिकली एक्सेस नहीं है जब तक कि वो पब्लिक IP पे डिप्लॉय नहीं होता है, ठीक है। तो वो सारा काम कौन करता है, DevOps इंजीनियर करता है। DevOps इंजीनियर जो है वो एप्लीकेशन को लेगा और उसको प्रोडक्शन साइट पे डिप्लॉय करेगा। प्रोडक्शन साइट पे डिप्लॉयमेंट से मतलब है कि आपके लोकल सर्वर से जो एप्लीकेशन रन कर रहा है लोकल सर्वर पे, उसको वहाँ से उठाएगा और एक पब्लिक सर्वर पे डालेगा। मतलब यदि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो और उसको आप चाहते हैं कि पूरा वर्ल्ड उसको एक्सेस करे इंटरनेट से, तो आपको एक पब्लिक सिस्टम एक्सेस करना होगा और उस पर अपना कोड डिप्लॉय करना होगा, अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करना होगा, तब जाके वो पब्लिकली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है कि आपको सिक्योरिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि हम किसी चीज़ को कितना सिक्योर रख सकते हैं, ठीक है। और कनेक्टिविटी में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि आप मेक श्योर करते हैं कि हाँ मेरा एप्लीकेशन सही चले, ठीक है, वो सिक्योर हो, स्केलेबल हो, तो ऑल दोज थिंग्स आप जा सकते हैं नेटवर्किंग में, नेटवर्क इंजीनियर। तो इसमें आता है कि आप सिक्योरिटी में माहिर हैं, आप नेटवर्किंग में माहिर हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ का आप नॉलेज है आपके पास, इस पर इंटरेस्ट है, तो इसके बेस पर भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पॉइंट जिस पर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और एंड ऑफ द ईयर आप डिसाइड कर सकते हैं किस में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब चारों चीज़ों में इंटर्नशिप कीजिए, आप जब पढ़ रहे हैं BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, तो आपको तो आइडिया हो ही गया होगा कि मैं किस में ज़्यादा अच्छा हूँ, तो आप उसका इंटर्नशिप कीजिए और तब आप डिसाइड कीजिए कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हो गया। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम इन चारों टॉपिक पर कम से कम 6 महीने से 1 साल का इंटर्नशिप कीजिए, ठीक है, और उसमें POC डेवलपमेंट कीजिए, कुछ जो भी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसके बेस पर कुछ आप बनाइए, ठीक है, POC लेवल पे, एंड तब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा मेरे लिए सही होगा, ठीक है।
तो आप इस तरीके से अपना करियर पाथ चुन सकते हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जरूरी नहीं कि आपको कोडिंग आना जरूरी है, आपको कोडिंग नहीं आ रहा है फिर भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। मेरा मोटिव ये है कहने का, बहुत सारा चीज़ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। जब अंदर आइएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। सो इन लास्ट, डूइंग ऑल दिस इंटर्नशिप विल गिव यू फेयर आइडिया टू चूज योर बेस्ट टेक स्टैक, राइट। सो यू विल गेट द आइडिया लाइक विच टेक स्टैक आई एम मोर कम्फर्टेबल विद दैट, सो यू कैन गो फॉर दैट टेक स्टैक एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर ऑन दैट, राइट। सो दैट्स ऑल। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये मैटर नहीं करता कि ये सारे इंटर्नशिप पेड हैं या फ्री हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि कहीं से मुझे फ्री इंटर्नशिप मिल जाए, लेकिन पेड भी मिल रहा है कहीं पे, थोड़े पैसे देकर भी आपको इंटर्नशिप करने का मौका दे रहा है कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूट, तो प्लीज़ गो फॉर दैट। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से पहले, एक्चुअल जॉब में लैंड होने से पहले आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यदि कोई देने को तैयार है कुछ पैसा लेकर ही, तो प्लीज़ गो फॉर दैट, ठीक है। आपको बहुत आइडिया मिलेगा और आप जब इस फील्ड में आइएगा तो अपने आप को सबसे आगे पाइएगा। तो समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पर, और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप किस टेक स्टैक पे इंटर्नशिप करने का सोच रहे हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।